तो राम राम भाई के ढंग से, उम्मीद से सारे बढ़िया काचे काट रहे होंगे। तो भाई यहाँ से अपनी नई बाइक जो कि ईव शिवरात्रि के 2 दिन पाछे 21 फरवरी 2023 में हमने ली है, बुलेट क्लासिक 350 रीबोर्न नेक्स्ट जनरेशन। तो यह कितने की ली, कैसे पड़ी, आज की इस वीडियो में सारी मैं कती आपने एक वॉक अराउंड और इसका ओवरव्यू देंगे। और बुलेट एक क्यों ली, इससे पहले के प्लान था, कई महीना तक प्लानिंग वगैरह चल रही थी। तो आज की इस वीडियो में पूरा वॉक अराउंड बताऊंगे कि के इसमें फीचर है थोड़ा बहुत, और चलो वीडियो ने शुरू करें और बताऊंगे कितने की पड़ी, कैश ली, फाइनेंस ली, सब कुछ इन डिटेल आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो वीडियो ने शुरू करें। तो भाई ईसा है अपना जो घर था, ऑफिस है जो हमने ऑफिस बना रखा है, उसका रास्ता है करीब करीब 30-35 किलोमीटर। तो मैं आया करता गाड़ी थे, और वैसे देखा जाए तो रास्ता है कती आधे घंटे का, बट गाड़ी में टाइम लग जाए, हमने कदे की तो जाम लग जाए तो आधे घंटे का रास्ता कदे कदे 1-1.5 घंटा लग जाए। तो बाइक तो मैंने चाहिए थी, तो रीजन यो है बाइक लेनी थी। मैं बताऊं बुलेट क्या तरह ही, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो भाई हमने लेनी थी, आजकल आपने बेरा है ईवी का मार्केट चल रहा है, और मैंने लेनी थी बाइक है, स्कूटी नहीं लेनी थी। स्कूटी मन शुरू था पसंद नहीं, जब तक बाइक में गियर ना लगे ना जब तक मजा ना आवे। तो मैंने लेनी थी बाइक है और लेनी थी ईवी में। तो मार्केट में ईवी की मैं बात करूं तो सबसे सक्सेसफुल बाइक रिवोल्ट चल रही है। तो मैंने पिछले साल सितंबर 2022 में रिवोल्ट की ईवी बुक कर दी थी 10,000 रुपए दे के बुकिंग, और उन्होंने कही थी आपकी 4 महीने की वेटिंग है, तो नवंबर के शुरू में नवंबर के लास्ट में आपने बाइक आपकी मिल जाएगी। तो यह बात थी, हमने जिप तक मैंने बाइक लेनी थी, और सर्दिया में तो मैं गाड़ी तय आया जाए करूँ, सर्दिया में बाइक का आना जाना नहीं हो सकता। तो मैंने जिप सितंबर में बुक कर दी थी, मगर नवंबर आओगा गर्मी आओगी इतने बाइक भी आ जाएगी। तो भाई हमने सितंबर में बुक करी, नवंबर में गया रिवोल्ट के शोरूम पे, तो बोले भाई बाइक अभी ना आई है, थोड़ा टाइम और लगेगा, नवंबर के लास्ट तक मिल जाएगी। मगर ठीक से भाई मैं तो मैं गाड़ी तैयार कर रहा हूँ, ठंड आ रही है, तो नवंबर के लास्ट में गया, वेनु बोले अभी कोई अपडेट नहीं है, आपकी बाइक आओगी नए साल के पहले हफ्ते में, जनवरी के पहले हफ्ते में। जनवरी के पहले हफ्ते में गया तो वेनु बोले रतन इंडिया ने खरीद लिया, उसकी वजह से बाइक की प्रोडक्शन सारी रुक गई है, तो गाड़ी पीछे तय आनी बंद हो गई। जिविया कंपनी पूरी रतन इंडिया के पास आ जाएगी, उसके पास बाइक आनी शुरू होंगी। तो उसने कही भाई जनवरी के आखिर में आपने कोई अपडेट दे देंगे, बाइक आओगी नहीं आओगी। तो जनवरी के आखिर में मैं गया, जब उसने कही भाई आपके तो फरवरी के पहले हफ्ते में आ जाएगी, जब फरवरी के पहले हफ्ते में मैं रिवोल्ट में गया तो उसने कह दी भाई कोई अपडेट नहीं है, अब बेर आना बाइक आओगी नहीं आओगी। जिप हो गया मेरा दिमाग खराब। तो फिर छोटा भाई भी है जो कैमरा हाथ में लेके खड़ा है, उन्होंने बोला दूसरी बाइक ले लेंगे, तो बुलेट लेनी है। तो भाई हम गए फरवरी 18 ने, जिस दिन शिवरात्रि थी। तो भाई शाम ही हो जो कैमरा पकड़ रही हो अभी छोटा भाई है अपना, उन्होंने बोला भाई लेवेंगे तो अगर रिवोल्ट नहीं आ रही तो अपना शौक पूरा करेंगे, और शौक था भाई हमने बुलेट का। और एक बात और, जिप अगले का उनके पाछे मिल आया, पाछे उनकी ईवी आड़ा की मैं बताऊंगा। तो भाई शौक था बुलेट का, बट इसमें नू था थोड़ी महंगी आवा तेल बत्ती पी हुआ है, तो हमने पहला तो सोची थी ईवी लेंगे, ईवी तो अपना पैसा भी बचेगा इकोनॉमिकल भी रहेगी, बट वरना आई तो भाई हमने लेना था, अपना शौक पूरा करना था, और भगवान की दया था, माँ बाप के आशीर्वाद था, इतना तो कमाए रहे हैं कि अपने शौक पूरे कर सके। तो भाई हमने शिवरात्रि में फरवरी 18 की शिवरात्रि थी मेरे ख्याल से, उस दिन जाके यह बुक कराई, और 2 दिन बाद मंगलवार ने 21 तारीख ने हमने ये ले ली। तो 21 फरवरी 2023 में हमने यह बुलेट 350 क्लासिक रीबोर्न नेक्स्ट जनरेशन यह बाइक बुक करी। इब मैं आपको तो बता दूं यह सह कितने की, तो थम देख रहे हो है मैट ब्लैक कलर, स्टील्स ब्लैक इसका नाम है, मैट ब्लैक कह लो कोई, स्टील्स ब्लैक कह है। तो भाई यह ऑन रोड पड़ी है हमने 255 की, ठीक 255 की यह पड़ी है, और इसमें मैंने यह पूरी कैश नहीं दी है, मैंने यह कराई है फाइनेंस। वैसे तो कैश भी ले सके थे बट फाइनेंस में बढ़िया है, हर महीने किस्त निकटती रहेगी, बेरा भी ना पटेगा। तो भाई या मैंने इसकी 1 लाख डाउन पेमेंट कराई है, और बाकी 2 साल की किस्त थी वो 7-7.5 हजार की किस्त थी, तो ऐसे करके या हमने पड़ जाएगी 3.5 लाख के आसपास की, 2 साल पाछे किस्त खत्म हो जाती है। तो फिलहाल ये है ई मैथ, हमने इसका थोड़ा वॉक अराउंड दे दूं के फीचर है और के है, और फिर आगे करें बात करेंगे, आगे आपने ओनरशिप रिव्यू भी कर दे होंगे फिर। तो भाई ये है इसकी सामने तो फ्रंट प्रोफाइल देख लो, कती एक नंबर काची लग रही है, ये इसकी हेडलाइट, ये टर्न इंडिकेटर, और इसकी जो आवाज है ना पुरानी वाली बुलेट जो स्टैंडर्ड है उसकी तरह तो नहीं है, बट इसका मैं आपने थंब सुनाऊंगा, थंब बहुत तगड़ा है, कती एकदम दिल पर जाके लागे है, और आवाज भी बहुत प्यारी है।
तो जिसने बहुत ज्यादा आवाज नहीं चाहिए उसने इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन, साइलेंसर इसका मॉडिफाई कराने की जरूरत नहीं है, गति एक नंबर है। तो ये इसके टर्न इंडिकेटर है या इसकी हेडलाइट, और ये जो है ना डे लाइट जो भी कह लो इसने भी रन किया, डे लाइट लैम्प, ये बहुत तगड़े लागे दिन में भी और रात में भी। और एक और बढ़िया बात जो हम पाछे कराया करते आफ्टर मार्केट कराया करते एजार्ड लाइट, जिसमें ये दोनों आगे के दोनों पीछे के इंडिकेटर जलते रहे, वो इसमें कंपनी ने ऑलरेडी दे दिया है, तो वो अब आपने बाहर का लगाने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया। और बाकी बात करूं पुरानी वाली बुलेट पे, इसमें बहुत घड़ी बहुत बत्ती फीचर दे रखे हैं, तो थोड़ा सा वॉक अराउंड ले हैं, फिर मीटर भी दिखाऊंगे, डिजिटल मीटर है, फ्यूल गॉज है इसमें और भी कई सारी चीजें, तो भाई उड़ान आ जाए। अब ये है अपनी साइड प्रोफाइल, ये अपना लेग गार्ड, ये हमने कंपनी से लगवाया था 3000 कुछ का लगाया था, यो जो भी है। तो यो है लेग गार्ड जो हमने कंपनी से लगाया था 255 में, यो इंक्लूड था, एक पाच है वो तीन पाइप वाला लेग गार्ड है, वो बेरन 6000 का था, बट वो हमने नहीं चाहिए था। उसके पास उड़ान देख सको हो, ये गेयर पैडल है और यो फुट रेस्ट है जो राइड करेगा। ये जो आपने दिख रहा है ना रॉयल इनफील्ड मेड लाइक अ गन गोज लाइक अ बुलेट, यो स्टिकर है, बाकी जब आपने स्टॉक आओगी ना तो यहाँ पे यो खाली मिलेगा जैसे सब में दिखा है, बट हमने ये उरे स्टिकर लगवाए हैं, तो कुछ स्टिकर 4-5 स्टिकर भी लगवाए हैं बाइक पर, उसकी एक अलग वीडियो आओगी वह देख लियो जाके। तो ये हमने लगवाया, बाकी उड़ाते मैट ब्लैक में, तुम देखोगे ना पूरी मतलब एकदम कति बढ़िया जो इसका कलर है ना। अरे एक और बात मैं तुमने बताऊं, अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर कलर खातर, इस खातर हमने 15000 रुपये फालतू दिए, तो ये हमने पड़ी 255 की, ठीक से। और जो इसका ऊपर वाला कलर था एक आया करे जिसमें लाल रंग की टंकी रहे है आपकी और ऊपर पाकी बहुत सारा क्रोम रहा है, वो बहुत शाइनी से था, बट वो इसका महंगा था, वो 270 का था, बट भाई अपने ने तो ये ब्लैक, ब्लैक इज ब्यूटी, ब्लैक इज क्लासिक, तो हमने तो लेना था स्टील ब्लैक है, तो यो है। अच्छा उड़ाने देखो तो यह उड़ाने आपने दिख जाएगी 300 क्लासिक 50 की ब्रांडिंग परली साइड में भी है, और रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग तो आपने दिखे रही है। और ये हो गए जो हमारे पिलियन बैठेंगे उसके फुटरेस्ट, तो ये पिलियन वाले फुटरेस्ट तो फोल्ड हो सके हैं, आगे वाले नहीं हो सके, उसमें स्प्रिंग है, फोल्ड भी करोगे तो वो अपने आप से ही हो जाएगा। ये हो गया कोई भी लेडीज इधर पैर करके बैठेगी तो उसके लिए फुटरेस्ट, ये भाई थोड़ा पीछे ना आ जाए, पीछे तक देखोगे तो बैक प्रोफाइल ये है। तो पुरानी आली अगर आपने बुलेट देखी होगी ना स्टैंडर्ड या कोई सी भी, तो उसमें जैसे ये कर्वी है ना उसमें कर्व सा ना होता, एक ऐसे सी डी प्लेट सी रहे उसके ऊपर, उसके अंदर तक लाइट लिकड़ी रहे और उसमें नीचे प्लेट रहे, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करे। मैंने पर्सनली इस वाली का लुक ज्यादा बढ़िया लगा है, यो थोड़ा क्लासी सा लुक दे है, बाकी आपने रेट्रो लुक चाहिए जो पुरानी दबंग बुलेट है उसका तो भाई वो है, वो तो फिर आज मिलनी भी बंद होगी, बट यो लुक भी बहुत बढ़िया है, थोड़ा कर्व में है, ये टेल लाइट भी आपने काफी, मैंने पर्सनली बहुत बढ़िया लग रही है, ये टर्न इंडिकेटर, बैक प्रोफाइल यो है, ये पुराना आ जाए भाई। अब ये दूसरी साइड की है अपनी प्रोफाइल, एग्जॉस्ट, यो एग्जॉस्ट साइलेंसर आप देख लो, यो भी स्टॉक है, यो भी पूरा मतलब अगर मैं बात करूं पूरी बाइक में एक ये शॉकर छोड़ के सारा बाकी मैट ब्लैक है, और जो रेड मैट रेड और मैट ब्लैक की जो यहाँ पे थीम दे रखी ना वो बहुत तगड़ी आ रही है, जमा बढ़िया आ रही है, तो जो ये मैंने ये बहुत बढ़िया लग गया, जैसे बाकी में क्या कर रहे जैसे ब्लैक कलर हो तो साइलेंसर हो है वो क्रोम में दे दी, सिल्वर में दे दी, तो वो थोड़ा सा बढ़िया ना लगा, बट पर्सनली उड़े देखो पूरा का पूरा मैट ब्लैक है, साइलेंसर है पूरी गाड़ी, शॉक करने छोड़ के सारी गाड़ी मैट ब्लैक है, और रेड की थीम मैट रेड की थीम है जो कि बहुत बढ़िया लग रही है। उड़ाने फेर या उड़ाने 350 क्लासिक की बैजिंग है, ये उड़ाने फेर यो, इस पर हमने स्टिकर लगा रखा है, स्टिकर वाली वीडियो देख लियो। उड़ाने ब्रेकिंग और दूसरा यहाँ पे फुटरेस्ट, एक चीज इसमें आप मिस कर रहे होगे किक, तो भाई या बहुत बड़ी गलती कह लो या जी भी नई जनरेशन आई है तो स्टैंडर्ड इन माते जो किक निकाली है तो वो बहुत लोगों ने पसंद आई, बहुत लोगों ने पसंद नहीं आई, तो वो पर्सन टू पर्सन है, बट मैंने पर्सनली बताऊं तो दिक्कत तो है, अब मान लो गाड़ी कदे बंद होगी, बैटरी डेड होगी तो इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे, वो नेगेटिव पॉइंट है या पॉजिटिव है वो किसी और दिन वीडियो में बात करेंगे। हाँ एक चीज और मैं बता दूं, जिस दिन मैंने डिलीवरी ली थी 21 तारीख ने, 22 तारीख तय है इसमें एक दिक्कत आने लगी थी, अब वह बहुत लोगों ने दिक्कत थी, अब वह ईव ताई भी मैं इसके सर्विस सेंटर में भी लेके गया था, उन्हें ठीक करी, एक दिन ठीक रही दूसरे दिन, और वह ईव ताई भी आ रही है, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप मैंने बताइए अगर आपके पास भी है 350 तो थंबनेल भी वह दिक्कत आओ है नहीं आओ, तो भाई इसका भी थोड़ा सा ये देख लो साइड प्रोफाइल इधर की ये है, अब इधर की सामने की मैंने आपसे दिखाई दी, ईव आ जाए भाई उड़ान आ जाए, इसका मीटर देख लो, तो भाई यह अपनी चाबी चाबी लगाई, तो यो तो होगा इसका स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपने रॉयल इनफील्ड की बैजिंग मिल गई 350 क्लासिक, अगर फ्यूचर में आपने चाहिए तो ये कंपनी वाले उरे नेविगेशन लगा के दे हैं, तो यह बैजिंग हट जाएगी, उरे नेविगेशन आप लगवा सको हो, फोन तक कनेक्ट करके
आप अपनी नेविगेशन भी देख सको। यो है आपका ऑन ऑफ इग्निशन का बटन। तो भाई यो है इसका डिजिटल मीटर, देख लो ऑन कर रहे हो आपके सामने, और इसमें क्या क्या चीज दिखेंगी। और जो एक सबसे बढ़िया फीचर जो रीजनरेशन में, नई जनरेशन में, रीबोर्न में, क्लासिक रीबोर्न में सबसे बढ़िया है, तो मैंने कर दिया ऑन। यहाँ पे आप न्यूटन की बैटरी की, एबीएस की, और सारे जो है लाइट आपने दिख जाएंगी। अब इसमें देखो आपने फ्यूल गेज भी मिले हैं, कितना आपकी फ्यूल है कितना है। तो ये फिलहाल दो डंडे कम है, तो कल परसों भराया था। और अगर एवरेज की बात करूँ तो एवरेज पर कदे एक और वीडियो बनाऊंगा, या थोड़ी सी वॉक अराउंड ओवरव्यू वीडियो है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये है, और बाकी यहाँ पर दिखाइए एक बार, ये इधर एक आई बटन है। इस आई बटन ने अगर आप दबाओगे तो यहाँ पे इसके मीटर पे चेंज होगा। जैसे इसमें एक तो ये आपने मिल जाए है यहाँ पे फ्यूल गोज, ठीक है, जिसमें फ्यूल का आपने पता चलेगा। नीचे आपने देख लो, नीचे आपने टाइम बता रहा है, फिलहाल के टाइम चल रहा है। फिर इधर जो आई बटन है, आई बटन ने दबाओगे तो यहाँ पे आपका टोटल ओडोमीटर आ गया, इको दिखा दिया। टोटल 10 दिन में मैंने 285 किलोमीटर चला दी। उसके बाद से दोबारा दिखाओगे तो इसमें आपने ओडोमीटर, फिर ट्रिप 1, ट्रिप 2, और एक ट्रिप एफ बी है जो आपका जब रिजर्व में आ जाए तो वो जिप चाले। अगर मेरे ख्याल था पक्का मन नहीं मेरा, उसके पास फेयर टाइम देख लो। अब यहाँ पे अगर देखो, यो है ओडोमीटर, अब यह ट्रिप है, ट्रिप आपने रीसेट करनी है तो उड़ाने, ये जो आई बटन है उड़ा दिखा, आशु इधर दिखा, तो ये जो आई बटन है इसने लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे जो ट्रिप जीरो हो जाएगी। अभी देखो ट्रिप टू पे है 285 मीटर, मैं ये आई बटन दबा के रख रहा हूँ, और यहाँ पे देखियो यो ट्रिप टू जीरो हो जाएगी। ट्रिप टू जीरो होगी तो आपने ट्रिप रीसेट करनी है, तो वो आप यहाँ पे कर सको, बाकी तो और कुछ ना है। बाकी इधर दिखा दे भाई, तो इधर ये आपके टर्न इंडिकेटर है, उसके नीचे ऑरन है, यहाँ पे आपका जो लो बीम हाई बीम है, और इधर ये पास का है। और अगर इस तरफ की मैं बात करूँ, तरफ हमने मिला है ये पुश स्टार्ट बटन, तो इधर करोगे ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ये अभी है, और ये किल स्विच है। नीचे आपने जो मैंने बताई थी ना हजार लाइट, दोनों चारों इंडिकेटर जलते रहेंगे, तो ये हजार लाइट ऑन का है और हजार लाइट ऑफ का है। इनमें थमने सामी है, अच्छा एक और इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन भी है, सामी चले जासू। तो सामी अगर मैं देखो इसका यहाँ पे ऑन करूँ हूँ, सामी इसका भी मैं इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, तो ऑन करते के साथ ये दोनों आपने जलते दिख रहे होंगे। हेडलाइट अभी नहीं जल रही होगी, इसमें जो नई वाली है इसमें जो फीचर है ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन, तो जब भी आपकी गाड़ी चलेगी जैसे स्टार्ट करोगे हमेशा या ऑन रहेगी। बाकी इसमें और भी कई सारे फीचर हैं, तो एक फीचर के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं इसने स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट करती है हेडलाइट जल जाएगी, और फिर ये जो हैजार्ड लाइट है ना ये भी दिखाऊंगा, जो आप बाहर से लगवाया करी वो कंपनी ने इससे में दे रखे हैं। तो मैं कर दूं पहला स्टार्ट, फिर थ्रोटल की आवाज भी आपने सुना होंगे, इसकी जो आवाज है कर दी स्टार्ट, ये देख लो आपने लाइट जल गई। इसकी या आई बीम है, इसने मन कर दी या लो बीम, और ये हो गया हमारा पास का। उसके बाद हैजार्ड लाइट देख लो, हैजार्ड लाइट ऑन करी, अब सामी तक कैप्चर कर ले एक बार, सामी से ऐसा हैजार्ड लुक में ऐसा लुक आया, इसकी आवाज सुनाऊंगा मैं तुमने, इधर आ जाए भाई, आवाज सुन लो इसका जो थंप है ना और जो थ्रोटल की आवाज है। मैं अभी इसमें एक्सेलरेट दूंगा, साइलेंसर पे दिखा, और आवाज सुनो इसकी कितनी प्यारी, कितनी तगड़ी, कितनी दिल पे लगने वाली आवाज है। तो ये थी भाई इसकी थ्रोटल की आवाज, बंद कर दे इसने। तो भाई यो था पूरा वॉक अराउंड, एक थोड़ा सा आप सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो। बाकी इसके आपने एक चीज और बतानी भूल गया था, इसमें आपने ड्यूअल चैनल एबीएस भी मिले हैं, तो जो एक ब्रेकिंग वाली दिक्कत आया करती बुलेट में, पतले टायर वाली, तो वो सारी एक फीचर वाली वीडियो में बताऊंगे। एक पुरानी वाली बुलेट तो इसमें के अलग है और के बढ़िया है, और एक नेगेटिव पे एक पॉजिटिव पे आपने बताऊंगे। बाकी सिनेमेटिक शॉट एंजॉय करो। तो भाई यह थी पूरी वीडियो, उम्मीद करूं वीडियो बढ़िया लगी होगी। वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो ने लाइक कर दियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो, अगली वीडियो जरूर बनाऊंगे इसके पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर, में लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कितनी या एवरेज दे है। और जिप्ताई मौज करो, और जय बाबा की।